हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मटर दाल की पकोड़े बनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम सोक्ड मटर की दाल, सॉल्ट, खसखस या पोस्त, अजवाइन, कलौंजी या काला जीरा, अदरक, हरी मिर्च, ग्रेटेड कोकोनट, वेजिटेबल ऑयल, 1 इंच अदरक के टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और सोक किया हुआ मटर की दाल एक साथ मिक्सर में पीस लेंगे। मटर दाल की पेस्ट बन गया। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इस पेस्ट में अपना स्वाद अनुसार नमक देंगे, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच खसखस के दाने और 2-3 चम्मच ग्रेटेड कोकोनट देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम पैन में हम तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। उसके बाद दाल की पेस्ट छोटे छोटे पकौड़े के शेप में तेल में डालेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पकौड़े फ्राई हो गया, इसे हम अब निकाल लेंगे। सारे पकौड़े सर्विंग के लिए तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।